मालूम था कि तू बीच में टपकेगा। अरे मोहब्बत के दुश्मन, तू नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, एक छोटा सा परिवार हो। देख राजा, हम दोनों एक साथ एक ही दिन शादी करेंगे और लड़की भी तेरे लिए मैं ही ढूंढूंगा यार। अबे शादी की छोड़, ससुराल जाने की तैयारी कर भाई। चलो तुम दोनों को चौकी पे बुलाया, सिंह साहब नया साहब आया है, बहुत कड़क आदमी है, चलो। चौकी? चौकी लेकिन क्यों? लेकिन भाई अपुन का कंप्लेंट क्या है? वो सब जाके सिंह साहब को पूछने का। तुम दोनों अपने आप को डोंगर बस्ती का दादा समझते हो? लफड़े झगड़े कराना, लोगों को सताना, जबरदस्ती चंदे वसूल करना, तुम दोनों का बहुत कंप्लेन है मेरे पास। जय किसका नाम है रे? मेरा सब। तू साला डोंगर बस्ती का रोमियो समझता है अपने आप को? नुक्कड़ पे बैठ के दिन भर लड़कियों को छेड़ता है? नहीं सब। चुप। और तू राजा, कहां का राजा रे? बहुत बड़ा तुर्रम समझता है अपने आप को? जेपी का डंडा पड़ेगा ना तो पूरी की पूरी दादागिरी निकल जाएगी तुम दोनों की। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर दोबारा कंप्लेन आई तो तुम दोनों को तीन तीन महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। ले जाओ। कंप्लेंट किसने लिखाई थी? मालूम नहीं। कंप्लेंट किसने लिखाई थी? मामा ने। मामा। ये साला अपुन का कंप्लेंट लिखाया तो किसने लिखा? भिड़ू, अपने को तो एक आदमी पर फुल डाउट है क्या? कौन है वो? जरा अपने को नाम तो बता, साले के हाथ पर तोड़ डालेंगे। नहीं नहीं, हाथ पर नहीं यार, उसके तो छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौए को खिला देना चाहिए। हाँ, और वैसे भी वो हवलदार अपुन का दोस्त निकला। साला बोल रहा था कोई मोटा आदमी था। मोटा? ये मोटा कौन हो सकता है? हाँ, ये मोटा कौन हो सकता है बताओ तो? है साला अपुन का कोई दुश्मन? अरे यार, तुम लोगों का दुश्मन तो अपन का दुश्मन, आपने वो बताओ हाथ पैर तोड़ के डाल देगा। ए मस्कल, देख मस्कल। ये तो वक्त ही बताएगा मामा के कौन किसके हाथ पैर तोड़ेगा। अरे यार, जगह का बात कर रहे लाए तू? खेरनार को जगह का कमी है क्या? पूरा एरिया खेरनार का है, मगर यहाँ चैलेंज वाला बात हो गया। एक बचकुंडा खेरनार को चैलेंज करेगा, एक बचकुंडा बोलेगा कि मंदिर के सामने दारू का अड्डा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। अभी तो उधर दारू का अड्डा बंद कर रहेगा। अरे बस कर, क्या भरते जा रहे लिए? मारने का विचार है क्या? भक्का भक भरते जा रहे लिए उसके अंदर। तू तो अपन से बातिच मत कर, तू काय को आके एकदम खामोश बैठ गया है? तू कुछ बोल, कुछ अच्छा बुरा खबर दे भाई। एक बुरी खबर है बाबा। जय ने राजा को जमीन पर छुड़ा लिया है। बचकुंडे ने छुड़ाया, बहुत उड़ रहे है, पर काटना पड़ेगा उसका। साथ में एक अच्छी खबर भी है, जय और राजा का आपस में झगड़ा हो चुका है, अब उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है। सुना है राजा आजकल दारू पीकर गलियों में भटक रहा है। बाबा, मैं तो कहता हूँ इस भटकते कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, पाल लो उसे। खेरनार शेर पालता है, कुत्ता नहीं पालता है, समझ में आता है कि नहीं? पर बाबा, कुत्ते के गले में पट्टा बांध कर देखो, वो भी शेर हो जाएगा। अबे तेरे गले में पट्टा डाला, तू कौन सा शेर हो गया? बचकुंडे के हाथ से मार खा के चला आया। जा भाई जा, उसके गले में पट्टा डाल के देख आता है क्या। अरे काम हो जाएगा, दे देगा यार, पहले काम तो कर मेरा यार। काम से पहले पैसा मांग रहे ला है। खेनार सबको देता है, तेरे को भी देगा बोलना। हाँ हाँ चल आ राजा। तेरे बारे में सुनकर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। ए, दो गिलास बिस्की जरा कड़क बना के लेके आ।
पर अपुन खुश है कि तू अपुन के पास आया। देख राजा, ये गलियों में गुंडागर्दी करके तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। अपुन को देख, एकदम भक्कम, इंग्लिश गाड़ियों में घूमता है, इंग्लिश गाड़ियों में। जबी तो लोग अपुन को इतना बड़ा गुंडा समझता है, तू भी इंग्लिश गाड़ियों में घूमेगा तो लोग तेरे को भी बड़ा गुंडा समझेगा। कुछ समझ में आ रही लाइक के नहीं? और ये सब कुछ तेरे को अपन दे सकता है खेरनार। अभी सोच विचार क्या कर रहे ला? इधर सोच विचार जास्ती नहीं करने का, ये बम्बई है, इधर चमत्कार को नमस्कार है, समझा के नहीं? ये अपुन का चेरिया है, खास एरिया, सीक्रेट जगह बोलता है ना, इसी को बोलता है। इधर दाखले बाद तड़ी पार सब वांटेड काटने के लिए आता है। वो बोडिक जा रहा है, तीन को मछली पकड़ने जा रहा है, रात को बिस्किट का धंधा है, बिस्किट लेकर आएगा, समझा कि नहीं? चल इधर आ। वो देख भूरा 17 मर्डर किए लाए, आप पुन के पास पलता है। वो देख निसार कालिया 10 रुपये के लिए अपनी माँ का मर्डर किए लाए, ऐसा ऐसा डेंजर लोग अपुन के पास पलता है। और वो देख दारू का भट्टी, देशी दारू का भट्टी, सड़ेले मेंढक का है, काजू का बोल के बेचेगा, पन तेरे लिए नहीं है, खेनार के साथ इंग्लिश पीने का, इसको हाथ भी नहीं लगाने का, ये सब तड़ी पर है, चला जा। वो जो एरिया दिख रहा है ना, मालवनी अपुन का चेरिया है, अपुन का सारा आड़ा तेड़ा काम उधर ही चलता है। मालवनी के बाद गोरेगांव, उधर छोटा बड़ा क्लब मटके वटके का सब धंधा उधर ही चलता है। अपना बसायला बस्ती है, उधर का लोग अपुन को भगवान के सरीका मानता है। आजा, हाँ तेरे को और भी कुछ बताता है। बाबा आज अपन को अंदर से टिप मिला है, शाम 4 बजे सलीम चिकना जेल से छूट रहा है। सलीम चिकना, जानता है क्या? माइम का, ओइच माइम का साले ने अपना छोकरा लोग पर फायरिंग किया, खेरनार से पंगा लिया, और ऊपर से बोरेला बाहर आकर सबसे पहला खेरनार को टपकाएगा। पर अपुन उसको घर तक पहुंचने देगा तब ना राजा? आज अपुन तेरा भी टेरिंग देख लेता है, चल। No!
जय कहाँ? अपन को नहीं मालूम कहाँ है जय? नहीं मालूम अपन को। बोल। नहीं मालूम बोलो ना। ये नहीं बताएगा। जय कहाँ है? नहीं मालूम अपन को। बोल कहाँ है जय? एक राजा नडिंग नहीं मानता। जय कहाँ है? अपन के साथ नडिंग नहीं मानता राजा। बोल कहाँ है जय? राजा जय कहाँ है? अपने साथ सीधी तरह बता दे जय कहाँ है? देख ले तो। बोल जय कहाँ है? नडिंग नहीं मानता अपने साथ बोला ना। बता जय कहाँ है? ये राजा तू बता जय कहाँ है? बता। बोल जय कहाँ है? बोल देना जय को कि इस जगह पर कब्जा सिर्फ उसका नहीं राजा का भी है। राजा राजा तू इन्हें मारेगा? अपने दोस्तों को मार रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू खैरनार के साथ मिल गया? अपने दुश्मन का साथ देगा तू? राजा सिर्फ उसका साथ देता है जो उसे दौलत देता है। नहीं राजा नहीं, तू भटक गया राजा। खैरनार का भरोसा कभी मत करना, कभी मत करना मेरे भाई। अपनी नसीहत अपने पास रख और सुन, मैं ये जगह खैरनार को तोहफे में देने वाला हूं, अगर हिम्मत हो तो रोक लेना। राजा राजा रुक जा राजा, राजा वापस आ जा यार। बाबा माफ कर दो बाबा। हाँ बाबा माफ कर दो। दारू चुरा चुरा के पीता है। दो दिन से किधर गायब था बाबा? तेरा माँ का शादी था क्या? चल 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 इससे काम कराओ, दस दिन तक पैसा नहीं देना इसको। दारू चुरा के पीता रमिया, जरा ध्यान रखना इसका। बाबा रायकर का खून हो गया है। क्या? कल कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसका और उसकी बीवी का खून कर दिया। एकदम ही खल्लास कर दिए क्या? हाँ जगह पर। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। अपना आदमी जाता है तो अफसोस होता है। खैर छोड़, हो गया तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। मगर मैं सुना है तू डोंगर बस्ती का जगह अपन को तोहफे में देने वाला है। आ बाबा। बाबा जगह पर तो कब्जा हो जाएगा लेकिन जय चुप बैठने वाला नहीं। रमिया ठीक कह रहा है बाबा। सुना है जय की शादी किसी करोड़पति की बेटी से तय हो चुकी है, और अगर उसकी शादी हो गई तो दौलत उसकी बड़ी ताकत बन सकती है। तो सोच विचार क्या कर रहे ले, तबका डालो उसको। नहीं बाबा, कोई फायदा नहीं है। ना तो जैसे हमें कोई खतरा है और ना ही हमारे काम के लिए कोई रुकावट बन रहा है। और बाबा वो तो एक चूटी है, जब चाहे मसल सकते हैं। वैसे तू ठीक बोल रहे ले, मगर कभी कभी चूटी हाथी को भी भारी पड़ जाती है। अच्छा बाबा चलता हूं, किसी से मिलना है। हाँ मेरे को मालूम है तेरे को किससे मिलने का है। जा जा मजा कर जा। पर बाबा जय फिकर मत कर, अपन के पास दूसरा रास्ता भी है। बचकुंडा शादी कर रहे ला। हेलो
जिस लड़के को तुम अपना दामाद बनाने जा रहे हो, दरअसल वो एक करोड़पति बाप का बेटा नहीं है, टोंगर बस्ती में रहने वाला एक मामूली तड़ीपार टपोरी है। अगर यकीन ना आए तो अपनी आंखों से खुद जाकर देख लो। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा हमदर्द राजा। राजा? कौन राजा? हेलो हेलो, हेलो अंकल। आओ जय, बहुत सही वक्त पर आ गए तुम। हाय टीना। हाय। ये डूंगर बस्ती कहाँ है जानते हो तुम? डूंगर बस्ती? नहीं, पहली बार नाम सुना है। करोड़पति बाप के बेटे हो ना, इन बस्तियों से तुम्हारा क्या लेना देना? और वो मोटा तुम्हारे बाप है ना, कहाँ गया आजकल वो? जी वो लॉस एंजलिस गए हुए। शट अप! बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना तुम्हारा बाप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कभी टोक्यो जापान लंदन। आउट, आई से गेट आउट। डैडी ये क्या हुआ आपको? तुम नहीं जानती बेटी, इसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। ये डोंगर बस्ती का रहने वाला मामूली सड़क छाप आदमी है, तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर इसने हमारी दौलत हड़प करना चाहिए। वो तो भला उस राजा नाम के आदमी का, जिसने मुझे टेलीफोन पर सब कुछ बता दिया, वरना दया तो सिर्फ खरनार सेठ ही कर सकता है। क्या, चल निकल। चले, तीन अंडे की भुर्जी और दो प्लेट कीमा, फटाफट ले आ। राजा नहीं, रम्या है। आ, इससे पूछता है राजा का है। चल। दया तो खैरनार सेठ ही कर सकता है, अगर उसका दिल आ जाए तो। कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। बस 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 नहीं रम्या, बस नहीं। याद कर, याद कर, याद कर रम्या, 15 साल पहले की वो तूफानी रात, रिगल सिनेमा के फुटपाथ पर एक मजबूर आदमी का खून, एक बेबस औरत और एक मासूम बच्चे की तड़प। याद कर रम्या, याद कर। बता मेरे बाप का कातिल कौन है, बता बता। बता तो खैरनार। खैरनार। ए रम्या, ए रम्या, अरे किसने मारा तेरे को? अरे पन कुछ बोलेगा भी कि नहीं, किसने मारा तेरे को? ए रम्या, मरना नहीं रम्या, एक पचकुंडे के हाथ से नहीं मरना, एक खैरनार का इज्जत का सवाल है, मरना नहीं, बापुन के हाथ से, मरद के हाथ से मार। ए रम्या, सूरज। सूरज अपना रमिया गया, समझा के नहीं, अपना रमिया गया।